दोस्तों हम आ गए थे पार्क में वादी निवार में और हम घूमने आए हैं थोड़ा सा। ये हमारे नेपाली भाई हैं सुजन सुजन से। सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज जो है इंशाल्लाह बड़ा बेहतरीन मौसम हो पड़ा है, चांद भी जो है अच्छा दिख रहा है और आज चल रहे हैं इंशाल्लाह हम जो है वादी नवार में। ये देखो ये एक मेरा नया फ्रेंड है और ये हमारे जुनेद भाई हैं। तो जुनेद भाई कुछ कहना चाहोगे आज आप? चलो हम जो अभी घूमने के लिए जाए वादी नवार में, किसी को भी आना है या जोल अलीम के मियाँ यानी रोज सवा सवा लिया बोला के माशाल्लाह ओके। हाँ बगर भाई आज जो है वो किधर चलना है? आज हम जा रहे हैं वादी निवार में। अच्छा वहाँ क्या है? वादी निवार पार्क में। अच्छा इंजॉय करेंगे थोड़ा घूम के आएंगे। अच्छा तो दुआ करो खैरियत से जाए, खैरियत से आए साहब। दोस्तों अभी जो है हम टैक्सी का इंतजार कर रहे हैं और टैक्सी इंशाल्लाह मिलेगी और फिर आज जो है वादी निवार चलते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं वादी नवार में जो है क्या है, क्योंकि सुना तो बहुत है उसका नाम कि वादी नवार घूमने का पार्क है या ऐसा कुछ वाटरफॉल वगैरह है। तो चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को इंशाल्लाह टैक्सी मिलने के बाद और फिर देखते हैं। चलो बने रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि हम निकल चुके हैं यहाँ से इंशाल्लाह और 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे वादी नवार में। ये देखें हमारे साथ जो है वो जुनेद भाई हैं और ये भाई हैं नेपाली और अबूबकर भाई हैं। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों को साला पहुंचने के बाद। दोस्तों पहुंच चुके हैं जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था वादी नमार पहुंच चुके हैं। तो अब जुनेद भाई से सुनेंगे ये क्या कहना चाहेंगे। जुनेद भाई अभी तो अंदर एंटर नहीं हुए, अभी पता नहीं का कैसा है, तो चलो फिर पहुंचते हैं। बताते चलो दोस्तों हम आ गए थे पार्क में वादी नमार में और हम घूमने आए हैं थोड़ा सा। ये हमारे नेपाली भाई हैं सुजन सुजन सेठ। ये देख पार्क है कुछ व्यू, अभी तो हमें भी समझ नहीं आ रही पार्क किधर है कैसी है। हाँ जी सी जी सुजन भाई कैसी लगी पार्क आपको? अब भाई अभी तो देखा नहीं है, देखने के बाद पता चल गया कैसी है। तो दोस्तों अभी जो है हम पहुंच चुके हैं वादी नमार में और अभी एंटर हुए हैं, अब देखते हैं कहाँ से इसका सब रास्ते वगैरह है, कहाँ से वाटरफॉलिंग वगैरह है। और ये देखो मेरे पीछे का व्यू जो है इस तरीके का है और ये कुछ अच्छी फैसिलिटी है, पीछे जो है WC बने हुए हैं यहाँ पर आम पब्लिक के लिए। तो चलो फिर देखते हैं अभी इसमें क्या क्या है और फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो अभी जो है हम ये एंटर हो चुके हैं यहाँ पर और ये देखो कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर। तो देख लो भाई लोग, जिन लोगों को जो है देखना था वाटरफॉल वगैरह वो आज इंशाल्लाह आप लोगों को भी दिखाएंगे, काफ़ी दिन के बाद जो है टाइम निकला है और देखते हैं भाई कैसा है माशाल्लाह। ये देखें मेरे पीछे जो है कुछ दिख रहा नहीं है अभी फिलहाल, मगर वो पीछे पीछे ब्लैक जो दिख रहा है पूरा वाटर है। तो चलो फिर देखते हैं इंशाल्लाह पहुंचने के बाद वहाँ पर। तो दोस्तों जो लोग भी रियाद के अंदर हैं वो अपना यहाँ पर आ सकते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी बड़ी एरिया है। तो यहाँ पर आने के बाद जो अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा जो। तो दोस्तों अभी जो है नीचे जाने का हम पता किए थे ये भाई से, तो ये भाई ने बताया कि आगे। तो दोस्तों अभी जो है हम यहाँ पर घूमे और ये देखें मेरे पीछे का व्यू जो है वो भी माशाल्लाह अच्छा है। वहाँ पर जो है जुनेद भाई अपना फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं और ये देखें कुछ इस तरीके के जो है बोर्ड लगे हुए हैं, मगर यहाँ पर कुछ दिख रहा नहीं है। इसमें लिखा हुआ है प्लीज़ हेल्प कीप दिस पार्क क्लीन।
तो मतलब कहने का मतलब ये है भाई लोगों कि भाई जैसे भी आप लोग आते हो इधर तो कोई गंदगी वगैरह ना करें तो वो बेहतर होगा। तो अभी जो है हम लोग नीचे जा रहे हैं और चलो फिर हम अपने जुनैद भाई से पता करते हैं कि जुनैद भाई आपको जो है कैसा लगा यहाँ आकर के, कैसी जगह है। अभी सर अच्छी है, अच्छी जगह है, अच्छी इधर देखने का भी अच्छा है लेकिन नीचे वो अच्छा है वहाँ पे। अच्छा, नीचे की तरफ अभी जाके दिखाएंगे आप लोगों को भी कि हाँ भाई कैसा व्यू है। तो भाई लोग जो है अपना कोई भी बंदा अपना टाइम स्पेंड करना चाहता है यहाँ पर आकर के तो बेझिझक आ जाए, अच्छी जगह है और कोई टिकट वगैरह भी नहीं है, अच्छी जगह है, आके अपना जो है टाइम स्पेंड कर लें। ये देखें पीछे का व्यू भी मेरे ऐसा आ रहा है। तो अभी जो है हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर पानी वो गिरता है, ये कुछ सीढ़ियाँ इस तरीके की हैं भाई, अपना संभाल के उतरने में ही फ़ायदा है क्योंकि पत्थर की हैं, यहाँ पर पैर भी स्लिप हो सकता है, लग जाएगी तो। और ये हमारे बकर भाई जो है सामने है, लाइटिंग तो भाई थोड़ा ऐसा ही है मगर व्यू अच्छा है यहाँ पर कि जो है मगरिब के टाइम का व्यू बेहतरीन आएगा। तो बकर भाई ये जो एरिया है काफ़ी बड़ी एरिया है, तो कैसी लगी आपको यहाँ जगह, कैसी लगी आपको? हमें तो बहुत अच्छी लगी भाई। दोस्तों ये जहाँ तक लाइट नज़र आ रही है आपको, ये पूरा वादी नमार का ही एरिया है, ये देखें कुछ इस तरीके का जो है काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा हिसाब किताब है। तो दोस्तों अभी जैसा कि हम लोग पहुँच चुके हैं, अभी सीढ़ियों से उतर रहे हैं पूरी, ये देखो ये इस तरीके की पहाड़ियाँ हैं, कुछ एक खंडर हैं कुछ इस तरीके के, भाई यहाँ से उतर के आए हैं, देखते हैं क्या क्या नज़र आता है। ये देखें कुछ इस तरीके का लाइट का व्यू आता है और ये मेरे पीछे की पहाड़ी है जहाँ से उतर के आए हैं अभी। और अभी जो है यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ये इस तरीके की लाइटिंग है, तो देखते हैं अभी जो है वो कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पर। तो दोस्तों फाइनली जो है वो काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद जो है हम वादी नमार की मेन जगह पर पहुँच चुके हैं जहाँ पर जो है व्यू वगैरह जो है अच्छा आता है। तो चलो फिर अब देखते हैं, ये गार्डन वगैरह भी इधर है और फिर क्या क्या होता है यहाँ पर फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। तो बकर भाई आप जो है वो लेकर आ चुके हैं हमें यहाँ पर वादी नमार में, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ आने के बाद? भाई हमको तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, बाकी सब इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, वो कोकोर की पहाड़ी से हम नीचे आए। अच्छा, देखो क्या बनता है। तो चलो फिर दोस्तों देखो कुछ ही इस तरीके का व्यू है यहाँ का वादी नमार का, और ये मेरे पीछे का भी है, मजाक मत तो बस ऐसा तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, थोड़ा सा वाटर फॉलिंग है और ये कुछ पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, तो यही वादी नमार है। तो कुछ ही भाई हमारे जो है इधर फोटो से फ़ोटो वगैरह भी ले रहे हैं। तो फाइनली जो है हम पहुँच चुके हैं एक कुबरी है यहाँ पर, छोटी सी कुबरी, यहाँ से पानी वगैरह दिखता है, अभी तो लाइट नहीं है तो नहीं। तो बकर भाई कितनी दूर चल चुके हैं हम यहाँ पर, कितना बड़ा पार्क है? तकरीबन 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं। तो भाई लोगों थोड़ा सा जो है अपना सोच समझ के आना, जिस बंदे को चलने में कोई दिक्कत होती है तो वो जो है ना आए, अपना गाड़ी वाड़ी से ही आए तो बेहतर है। बाकी हम लोग जो है 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं और काफ़ी बड़ी एरिया है, हम लोग थोड़ा लेट हो चुके हैं आज यहाँ पर आने के लिए, अगर दिन में थोड़ा सा टाइम और मिलता तो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का व्यू आता। देखो ये मेरे पीछे सब पानी पानी है, पहाड़ियाँ वगैरह दिख रही हैं, देखें फिर। तो चलो फिर अब थोड़ी देर के बाद जुनैद भाई से मिलते हैं कि जुनैद भाई क्या बताते हैं आप लोगों को कि जुनैद भाई को कैसा लगा। और ये कुछ इस तरीके के यहाँ पर बोर्ड वगैरह भी लगे हुए हैं, तो जिस भाई को पढ़ना आता है वो अपने यहाँ पढ़ सकता है, तो देखें फिर। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये भाई जो है हमारे अपना वॉक कर रहे हैं, देखें जुनैद भाई भी हैं और बकर भाई भी हैं, एक भाई साथ में है, या कुछ बत्तख भी नज़र आ रही हैं। देखिए कुछ इस तरीके का व्यू आता है यहाँ का, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। तो ये कुछ गार्डन है और यहाँ पर जो है कुछ गार्डन है, और चलो फिर मिलते हैं अपने जुनैद भाई से, वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं कैमरे के सामने आने का। तो जुनैद भाई कितने दिन बाकी रह गए आपके छुट्टी जाने के? 10 दिन बाकी है। 10 दिन बाकी है, तो क्या क्या शॉपिंग कर लिया आपने? सब कुछ कर लिया, शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, तो अभी हम लोग जो है वो और कितनी देर के बाद जो है अपनी
फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुँचेंगे। कुछ आइडिया है इसके बारे में? पता नहीं, अभी पहली दफ़ा आया ही था। अच्छा, बकर भाई के सवाल पर। आप भी पहली बार आए हो? तो बकर भाई, आप मुझे कुछ बता सकते हो, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है हमें यहाँ से चलते चलते, तो कितनी देर के बाद जो है हम वो झरने के पास पहुँच जाएंगे? मालूम नहीं भाई, अभी तो थोड़ी देर ही नज़दीक ही लग रहा है। नज़दीक कितना नज़दीक लग रहा है? थोड़ा ही नज़दीक लग रहा है। कितना? और दो दिन में लगेंगे, उधर जाके बैठते हैं आराम से पानी में। अच्छा, थका डाले यार तुमने तो। दोस्तों, ये कुछ बत्तखें वगैरह भी हैं यहाँ पर हैं, और ये कुछ इस तरीके का व्यू है हमारे वादी नमार का। तो सब पब्लिक जो है अपना रिलैक्स कर रही है। तो देखें कुछ ये पानी वगैरह है यहाँ पर, झील वगैरह है। तो दोस्तों, फाइनली जो है वो हम लोग थक चुके हैं। लगभग 10 किलोमीटर का जो हमने चक्कर मार दिया है, और वैसे तो खूबसूरत है, देखने में भी व्यू वगैरह भी अच्छा है। और ये देखें मेरे पीछे जो है ये वाटर फॉलिंग है, इधर वाटर फॉलिंग है इधर सामने की तरफ, जो आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। मगर अभी देखते हैं कि यहाँ से एग्ज़िट कैसे होना है, और फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो जुनेद भाई, ये काफ़ी थक चुके हैं, और पानी वानी जो है वो अपना ले लिया था यहाँ से, तो पानी वानी पी के उसके बाद फिर जो यहाँ से निकलेंगे इंशाल्लाह। और देखेंगे मेरे पीछे जो है फुहारा कहीं पर तो है, सामने से कैमरे में नज़र नहीं आ रहा होगा, इधर ये साइड पर जो है फुहारा है। तो चलो फिर देखें, अच्छा खासा गर्मी लग रहा है और पसीना निकल चुका है पूरी तरीके से। तो दोस्तों, यहाँ कुछ इस तरीके का जो है वाटरफॉलिंग है, और ये कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पर। देखें, ये वादी नमार का एरिया है, और यहाँ पर ये कुछ WCU वगैरह है जो सब फ्रंट में है इसके, वाटरफॉलिंग के सामने। तो दोस्तों, चलो अभी हम यहाँ पर घूम चुके हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं। ये वादी नमार वाला एरिया है, तो देखें पहाड़ियाँ वगैरह हैं यहाँ पर, और अभी जो है इंशाल्लाह देखते हैं कितनी देर में जो है हम लोग यहाँ से एग्ज़िट होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ी एरिया है और काफ़ी थक चुके हैं चलते चलते, क्योंकि इतनी चलने की जो है वो प्रैक्टिस बची नहीं है अभी। तो यहाँ पर जो है ये कुछ इस तरीके का ही व्यू है, और यहाँ मैं आप लोगों को सजेक्ट करूँगा कि भाई आप लोग जो है कोई भी बनने आए तो वो अपनी जो है पर्सनल गाड़ी वगैरह से या टैक्सी वगैरह से जो है फाइनल करके आएँ, क्योंकि काफ़ी दूर है। दोस्तों, ये जो है सामने हमारे कुछ पहाड़ वगैरह हैं, तो ये उनकी लाइटिंग है। तो दोस्तों, मुझे कुछ याद है, अभी एक बार हमारे साहिर भाई ने जो है यहाँ पर मीटअप की बात करी थी, तो ये काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है और मीटअप के लिए बेहतरीन है। तो यहाँ पर जो है इंशाल्लाह साहिर भाई, आपसे उम्मीद है कि किसी टाइम पर जो है मीटअप का प्रोग्राम ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह हम लोग विजिट करेंगे। तो बकर भाई, यहाँ से जो है हम लोग निकल चुके हैं, तो आप लोगों को कैसा लगा सबको? हम लोगों को माशाल्लाह अच्छा लगा यार, एंजॉयमेंट है थोड़ी बहुत। अच्छा, आ सकते हैं, बंदा घूम सकता है, फैमिली के साथ भी आ सकता है। यार यहाँ पर कहाँ जाएगा, सऊदी के अंदर जो है वो कहाँ पर जाएगा? ये कुछ इस तरीके की गवर्नमेंट की तरफ से जो है अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये जो है इनका बंदा फ़ायदा उठाता है। और देखें मेरे पीछे भी ये पहाड़ है पूरा, तो हम अपने जुनेद भाई से पता करते हैं। दोस्तों, ये जो जितना भी मेरे पीछे नज़र आ रहा है पूरा वादी नमार है, ये देखें आप लोग, यहाँ से लेके लगभग ये 10 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है, और ये वादी नमार है भाई। Many hours later. तो दोस्तों, अभी जो हम फाइनली निकल चुके हैं, और वादी नमार की एरिया में हम लोग आए थे, वादी नमार का पार्क है। तो चलो फिर अब जो है हम लोग टैक्सी देखते हैं, और टैक्सी देखने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो सबसे बेस्ट पार्ट जो है मुझे ये लगा पूरे वादी नमार का, इसके एग्ज़िट पर जो है कुछ अच्छे खजूर वगैरह के पेड़ खड़े हैं, और बड़ा सुकून है यहाँ पर।
अपने रूम के पास पहुंच चुके हैं। तो चलो फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।